महल्लात में रहने वाले जब हवालात की जानिब आते हैं तो उनके चेहरों पर परेशानी दीदनी होती है। यही कुछ हालात पेश आए हैं शरीफ फैमिली को। शरीफ फैमिली को तो परेशान होना चाहिए था, लेकिन मरियम नवाज वाक्यतन उस हद तक परेशान नहीं थी जब उन्हें देखा गया लंदन से आते हुए अबू जहबी एयरपोर्ट पर और अबू जहबी एयरपोर्ट के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर। लंदन से अबू जहबी जब वो पहुंची तो अबू जहबी में उस वक्त उन्होंने विंडो शॉपिंग भी की, वहां से कुछ ड्यूटी फ्री चीजें भी खरीदी और उसके साथ साथ वो सोशल मीडिया पर अपडेट्स भी देती रहीं। लेकिन हैरान कुन बात ये सामने आई है कि जब उन्हें सिहाला जेल में मुंतकिल किया गया, यानी सिहाला गेस्ट हाउस को जेल में तब्दील करके वहां पर मुंतकिल किया गया, तो वो रोने लग गई। ये बात कितनी सच्ची है और इसमें कितनी सदाकत है, ये तो आंदा आने वाली खबरों के जरिए से ही पता चलेगा। लेकिन जो अब तक की मालूमात हैं उनके मुताबिक ये बात सामने आई है कि नवाज शरीफ को 10 साल कैद बामशक्कत और मरियम नवाज को 7 साल कैद बामशक्कत सुनाई गई है और इनको कैदियों का लिबास भी पहनना होगा। ये बात बहुत अजीब बात है कि क्या वाकईतन मरियम नवाज और नवाज शरीफ कैदियों का लिबास पहनेंगे। अगर आप देख सकें तो वापसी पर नवाज शरीफ के साथ जब मरियम नवाज मौजूद थी तो जिस लाउंज में मौजूद थी वो बिजनेस क्लास का लाउंज था और उस लाउंज में बैठी हुई मरियम नवाज ने गुची के शूज पहन रखे थे और गुची की ये चप्पल कमोबेश पाकिस्तानी कीमत अगर इसकी बताई जाए तो 7,51,000 कुछ रुपए बनती है। इस बात में कितनी सदाकत है ये बात तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है। लेकिन वाकईतन जब इंस्टाग्राम पर ये तस्वीर चल रही थी तो इसके साथ ही मुवाजना भी दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि ये 75,900 कुछ रुपए की है और कुछ लोगों ने कहा कि ये 7,75,000 कुछ रुपयों की है। इस बात में सदाकत तो वक्त के साथ ही पता चलेगी, लेकिन महल्लात से हवालात तक का सफर वाकईतन नवाज शरीफ फैमिली के लिए कुछ आसान साबित नहीं होगा। जब वो वहां से चलने लगे तब भी रोने धोने का आलम था और तस्वीर में जैसा कि देखा जा सकता है कि किस तरह शरीफ खानदान एक दूसरे के गले मिलकर रो रहा था। इनकी कैटेगरी का तयन कैसे होगा, इनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा और जेल जाने से पहले क्या होगा, ये सवालात उठाए जा रहे थे और इन सवालात का जवाब भी मिल गया। जेल हुकाम के मुताबिक जब नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जेल मुंतकिल किया गया तो सबसे पहले इनका मेडिकल टेस्ट किया गया, जिसके बाद दोनों को कैदियों वाला लिबास पहनाकर मुख्तलिफ बिरकों में भेजे जाने की बात की गई। क्या ऐसा हुआ कि उन्हें कैदियों का लिबास भेजा गया, कैदियों का लिबास पहनाया गया? होना तो यही चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कानून तब्दील कर दिया गया है। कानून कौन सा तब्दील किया गया है इसके बारे में अगर बात करें तो वो भी आपको डिटेल बताएंगे। बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की। जब वो नैब के एक मुकदमे में उन्हें सजा सुनाई गई थी तो उनसे मुतअद्दिद बार अडयाला जेल में जाकर मिलने का जब इत्तेफाक हुआ था मुख्तलिफ लोगों का तो उनसे भी मुलाकात होती थी तो उन्होंने भी कैदियों के लिबास नहीं पहना होता था, वो एग्जेक्टिव क्लास में मौजूद होते थे। हाल ही में यानी शहबाज शरीफ हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक माह पहले ही प्रिजनर्स रूल में तब्दीली की है। ये तब्दीली क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर कैदियों वाले कपड़े पहनने के बारे में किसने इंकशाफ किया ये बात आपको बताते चले जाएं। अडयाला जेल के ही एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अडयाला जेल में कैदियों वाले कपड़े पहनना होंगे। क्या वाकई अरबों खरबों रुपए की करप्शन करने वाले नवाज शरीफ अडयाला जेल में कैदियों वाले कपड़े पहनेंगे और उन्हें कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई है तो क्या वाकईतन वो मशक्कत करेंगे? मशक्कत क्या क्या की जा सकती है और मशक्कत क्या करवाई जा सकती है, कैद बामशक्कत क्या होती है, इस बारे में बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। आपको कैद बामशक्कत के बारे में बताते हैं कि कैद बामशक्कत क्या होती है। जेल कवानीन के मुताबिक जेल हुकाम इस बात के पाबंद हैं कि वो अदालत की जानिब से किसी भी सजा याफ्ता कैदी जिसे कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई हो उससे रोजाना की बुनियाद पर कोई काम करवाएं। इस मशक्कत में बागबानी, दीगर कैदियों को पढ़ाना, किचन की सफाई के अलावा कैदियों की हजामत करने का काम भी लिया जा सकता है। इस मशक्कत में छुट्टी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इन कैदियों से मशक्कत लेने की जिम्मेदारी जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की होती है। हुकाम के मुताबिक जेल मैनुअल में ये तहरीर है, जेल मैनुअल जिसे बोला जाता है उसमें ये तहरीर है कि अगर कोई कैदी हफ्ते में 7 दिन काम करता है और जेल के हुकाम उसके काम से मुतमईन हैं तो एक माह बाद उसकी सजा में 5 दिन से लेकर 8 दिन तक की कमी हो जाती है। कैदियों की कैटेगरीज का तयन कैसे होता है ये सवाल बहुत अहम सवाल है।
जेल के कवानीन के मुताबिक नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने की वजह से ए क्लास जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज को बी कैटेगरी दी जाएगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की 42 जेलों में से सिर्फ दो जेलें ऐसी हैं जहां पर कैदियों के लिए ए क्लास की सहूलतें मुहैया की गई हैं और इन दोनों जेलों में बहावलपुर और रावलपिंडी की अडियाला जेल शामिल है। जेल में कैदियों को तीन कैटेगरीज में रखा जाता है। सी कैटेगरी में उन कैदियों को रखा जाता है जो कत्ल, डकैती, चोरी, लड़ाई झगड़े और मामूली नौयत के मुकदमात में सजा याफ्ता होते हैं, जबकि बी कैटेगरी में उन कैदियों को रखा जाता है जो कत्ल और लड़ाई झगड़े के मुकदमात में तो मुलव्वस हों ताहम अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हों। अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने का क्या मतलब है, ये बात आप बखूबी जानते हों कि वो दौलतमंद हों और पैसों वाले हों। बी कैटेगरी की बात हो गई और अब बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन पास लोगों की। ग्रेजुएशन पास कैदी भी बी क्लास लेने का अहल होता है। जेल हुकाम के मुताबिक ए क्लास कैटेगरी आला सरकारी अफसरान के अलावा साबिक विफाकी वज़रा और उन कैदियों को दी जाती है जो ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। ए कैटेगरी के कैदियों को जो सहूलियात मिलती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जिन कैदियों को ए क्लास दी जाती है उन्हें रिहाइश के लिए दो कमरों पर मुहित एक अलग से बैरक दिया जाता है जिसके एक कमरे का साइज 9x12 फीट होता है। कैदी के लिए बेड, एयर कंडीशन, फ्रिज और टीवी के अलावा अलग से बावर्ची खाना भी शामिल होता है। ए क्लास के कैदी को जेल का खाना खाने की बजाय अपनी पसंद का खाना पकाने की भी इजाजत होती है। याद रहे कि पसंद का खाना पकाने की इजाजत, पकवाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन बहुत सारे नाम निहाद कैदी अपनी पसंद का खाना पकवाते भी नहीं बल्कि उनकी पसंद का खाना उनके घरों से बनकर आता है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डिटेल मांग ली है जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने ये बात की कि उन्हें घर का परहेजी खाना दिया जाए। कैदियों को दो मुशक्कती भी दिए जाते हैं, यानी जो ए क्लास में रहने वाले कैदी होते हैं उनको दो मुशक्कती दिए जाते हैं जो खुद के कैदी होते हैं। जेल हुकाम के मुताबिक अगर कैदी चाहे तो दोनों मुशक्कती उनके साथ रह सकते हैं और अगर कैदी चाहे तो मुशक्कती काम मुकम्मल करके अपनी बैरकों में वापस जा सकते हैं। यानी वो चूंकि खुद जेल में रहने आए होते हैं तो ये उन पर डिपेंड करता है कि क्या वाकईतन ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है कि वो जेल में रहें या अपनी जेल उनकी उस बैरक में रहें जिस बैरक में वो ए क्लास कैटेगरी का मुजरिम मौजूद है या अपनी बैरक में चले जाएं। जेल कवानीन के मुताबिक जिन कैदियों को बी क्लास दी जाती है उनको एक अलग से कमरे और एक मुशक्कती दिया जाता है, ताहम अगर जेल सुप्रिंटेंडेंट चाहे तो मुशक्कतियों की तादाद एक से बढ़ाकर दो भी कर सकता है। अब मरियम नवाज की बात करें तो मरियम नवाज का जेल में बी क्लास का दर्जा है। अपने वालिद के बरक्स मरियम नवाज को बी क्लास कैदी का दर्जा दिया गया है। जेल हुकाम के मुताबिक जिन मुशक्कतियों को ए और बी क्लास के कैदियों के लिए बतौर खिदमत गुजार दिया जाता है वो मामूली जराइम में मुलव्वस होते हैं और मरियम नवाज को खवातीन की बैरक में रखा जाएगा और एक कैदी खातून उनको बतौर खिदमतगार दी जाएगी। ये अभी तक फैसला सामने आया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं जो एग्जेक्टिव जेल तैयार की गई है मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए। ये प्रिजनर्स रूल में तरमीम की गई है और बड़े लोगों को जेल में एग्जेक्टिव क्लास मिलेगी। इस बारे में आपको आइंदा आने वाली वीडियोस में मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा कि प्रिजनर रूल में तब्दीली कब की गई है और इस तब्दीली का फायदा किस किस को होगा और प्रिजनर रूल है क्या, इसमें किन किन लोगों को रखा गया है और किस तरह से वो इस तमाम तर चीजों को लेकर चल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस वीडियो के बारे में बताया जाए तो आप लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और इससे आगाह कीजिए कि प्रिजनर रूल्स क्या थे, उनमें तब्दीली क्या की गई और किस तरह से एग्जेक्टिव क्लास मिलेगी इन चोरों को जो कि अरबों रुपए की चोरी करके आए हैं। ये बात बड़ी हैरानकुन बात होती है कि मुजरिम अगर गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है और अगर मुजरिम अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है। मुजरिम मुजरिम ही है चाहे उसका ताल्लुक नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुजरिम हो तो उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो कानून का मयार है। नून लीग वाले के साथ भी वही सलूक होना चाहिए और एक गरीब शख्स के साथ भी वही सलूक होना चाहिए, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि कानून वाकईतन अंधा होता है। कानून किसी को भी इस बात पर पकड़ सकता है कि उसने कानून के बारे में बात ही क्यों की, लेकिन कानून शायद इन अमीरों को इस तरह पर नहीं पकड़ सकता। होना तो ये चाहिए था कि ये महल्लात में रहने वाले जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की अवाम को भिखारी बनाकर रख दिया, जिन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का मकरूज करके रख दिया और हर एक बच्चे को मकरूज करके रख दिया कि पैदा होने वाला एक बच्चा भी लाखों रुपए का मकरूज है, होना इनके साथ ये चाहिए था कि इनको जेल में चक्की पीसना चाहिए थी।
इनसे वही बागवानी के काम करवाए जाते, सफाइयों का काम करवाया जाता, ताकि इन्हें मालूम पड़ता कि करप्शन का अंजाम क्या होता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम आम लोग भी अपने रहनुमाओं, अपने सियासी रहनुमाओं की मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें मालूम नहीं होता, और हम रोने लग जाते हैं, हम चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं। क्या वाकयतन हमारा चीखना चिल्लाना इन लोगों तक पहुंचता है, और क्या वाकयतन हमारे चीखने और चिल्लाने का असर इन पर होता है? हमें चीखना और चिल्लाना तो चाहिए, लेकिन अपनी हालत इजार पर, तालीम के ना होने पर, पानी के ना होने पर, सेहत के मसाइल हल ना होने पर, हमें अब होश के नाखून लेना होगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर लाइम लाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।